हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन एग्जेक्टिव सिस्टम। पहले हमने प्रेसिडेंट किया, देन कैबिनेट की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसकी इलेक्शन कैसे होती है, फंक्शंस क्या है, एंड इसकी पोजीशन क्या है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम करते हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। मीन्स सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन सेम है जैसे प्रेसिडेंट के लिए थी, तो वो थ्री क्वालिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज। मीन्स वो मेच्योर एज का होना चाहिए, एंड वो नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है अमेरिका में बोर्न तो हुआ है लेकिन कहीं बाहर रह रहा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि वो 14 इयर्स के लिए अमेरिका में ही रिजाइड कर रहा हो, तो उसके बाद ही वो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इसकी क्वालिफिकेशन सेम है जैसे प्रेसिडेंट की, वैसे ही मेथड ऑफ इलेक्शन वो भी सेम है जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन का होता है। जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसी टाइम जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है वो साथ में वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वोट डालती है। इस तरह प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन सेम टाइम सेम प्रोसेस से होती है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, पहले इसको कैसे चुना जाता था, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती थी जो सबसे ज्यादा विनर होता था उसको प्रेसिडेंट मान लिया जाता था, और जो फर्स्ट रनर अप होता था उसको वाइस प्रेसिडेंट मान लेते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के लिए अलग से वोट होती है। जैसे आज के टाइम में जो बिडेन प्रेसिडेंट है एंड कमला हैरिस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों की इलेक्शन सेम हुई थी जैसे प्रेसिडेंट की, तो उसके लिए सेम इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है जो टू वोट्स डालता है, एक प्रेसिडेंट के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सो मेथड क्या हो गया, सेम हो गया, प्रेसिडेंट जैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी, वो इलेक्ट भी सेम इलेक्ट्रोल कॉलेज के थ्रू किया जाता है। इलेक्ट्रोल कॉलेज जो आम जनता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट्रोल कॉलेज के रूप में पोल डालने के लिए सेंड करती है। तो जी हो गया मेथड ऑफ इलेक्शन। तो मेथड ऑफ इलेक्शन इसके साथ साथ कभी कभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इसको सेनेट के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। वो कैसे होता है, जब इलेक्शन हो रही है मान लो कोई वाइस प्रेसिडेंट है इसमें किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस टाइम क्या होता है, जो सेनेट है वो खुद ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि दोबारा से इलेक्शन होगी, वहां पर दोबारा से इलेक्शन नहीं होती है। तो जब कोई कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं गेट कर पाता उस टाइम जो सेनेट है वो सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। उसके लिए कंपल्शन है कि जितने भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंबर्स खड़े हुए हैं मोस्टली वो टू ही होती है, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जो चीज थर्ड है तब तक आते आते हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रेसिडेंट होगा कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा। इस तरह टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कन्वेंशन बन चुकी है कि वहां पर टू पॉलिटिकल पार्टीज ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ी होती हैं। तो जो दो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके लिए वोटिंग होती है, सेनेट के 100 मेंबर्स हैं तो वो वोट डालते हैं, तो उसमें जिससे सबको ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी, मीन जो एटलीस्ट 51% वोट्स ऑफ सेनेट का गेट कर पाएगा वो ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। और इसके लिए एक कंपल्शन है, जब भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगी उस टाइम सेनेट के 2/3 मेजोरिटी है, मीन 66% है, वो जरूरी है कि वो सेनेट में प्रेजेंट हो, उसके बाद ही इलेक्शन होती है। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट सेनेट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट भी किया जाता है। वो कौन सी सिचुएशन है जब वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना पड़ता है, जब किसी भी रीजन की वजह से जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। तो इस सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है
नॉमिनेट किया जाता है जब किसी भी वजह से वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो गया, क्योंकि उसको ऐसा ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस टाइम जो प्रेसिडेंट है विद द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस कैन नॉमिनेट द वाइस प्रेसिडेंट। इसके लिए ऐसा नहीं है कि दोबारा से इलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं होगी तो उसके लिए एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा। जहां पर हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट चाहे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन जाए हम उसकी भी बात कर रहे हैं, तो वो उस टाइम प्रेसिडेंट है, वो किसी भी पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दी। कभी क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जब वो रिजाइन दे देता है उस टाइम में प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं कि किसको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। इस टाइम कांग्रेस की अप्रूवल बहुत जरूरी होती है। एंड नेक्स्ट इज टेन्योर, सैलरी एंड अलाउंसेस। जो उसका टेन्योर है वो भी कितना है, जितना प्रेसिडेंट का, कितना हो गया 4 इयर्स के लिए, पर वो उससे पहले भी रिजाइन दे सकता है एंड उसको भी इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू रिमूव भी किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता था, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। आज के टाइम में उसकी कितनी सैलरी है, एज ऑफ जैन 2021 में उनकी सैलरी डिफाइन की गई $2,35,100 पर एनम। तो जे सैलरी क्या हो गई, उनको दी जाती है जो 21 की कांग्रेस आई थी उन्होंने डिफाइन किया था। जो कांग्रेस है वो भी 21 में नहीं आई थी एंड जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी 21 में ही बने थे, तो उस टाइम जे सैलरी थी जो आज भी जिसी सैलरी दी जा रही है। तो उनको बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिए जाते हैं, जैसे फेडरल एम्प्लॉय रिटायरमेंट स्कीम में डिफाइन किए गए हैं, जो अदर फेडरल ऑफिसर्स हैं उनको दिए जाते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी दिए जाते हैं। तो ये होगी उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके कौन कौन से फंक्शंस है, जे क्या सा काम कर रहे हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनके फंक्शंस देखकर हमें लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी कभी तो बहुत से लोग जी रिकमेंड कर देते हैं इस पोस्ट को इलिमिनेट कर देना चाहिए। तो पहले हम इनके फंक्शन करते हैं, इनके 2 फंक्शन है। फर्स्ट वन इज एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, वो सेनेट के प्रेसिडेंट है, सेनेट के प्रेसिडेंट। जो अपर हाउस है वो हाउस क्या है, वो ज्यादा पावरफुल है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वो क्या बन गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेनेट। बट उन पर क्या कंडीशन लगा दे, बट नॉट अ मेंबर ऑफ इट, इसीलिए वो वहां पर वोट भी नहीं दे सकते। जब किसी बात के लिए वोटिंग होती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां के मेंबर नहीं है, वो सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। उनके पास ये भी पावर नहीं है कि वो वीटो पावर को यूज कर सके। वो वीटो पावर कब यूज करते हैं, जब टाई का केस हो, मींस इक्वल इक्वल वोट मिली है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। अदरवाइज जो वाइस प्रेसिडेंट है इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो है लेकिन वोट नहीं दे सकता, वो वीटो पावर तो है लेकिन वीटो पावर यूज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द केस ऑफ टाई। एंड इसी तरह जो सेनेट है, सेनेट में वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो 1949 से इस पोस्ट को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या किया गया, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाने लगा। लेकिन फिर भी उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट की ज्यादा वैल्यू नहीं है। और उसके बाद उसका सेकंड काम क्या है, एज अ सक्सेसर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का सक्सेसर है। जब किसी भी वजह से प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट हो जाता है उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंसी, क्योंकि प्रेसिडेंट की जाए तो डेथ होगी, रेजिग्नेशन दे दिया, जिसको रिमूव कर दिया, तो वो क्या बन जाते हैं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। इस टाइम क्या होता है, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट हो
जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है उस टाइम क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो दोबारा से नहीं कराई जाती जब तक रेगुलर इलेक्शन का टाइम नहीं आता है। तो इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट विल नॉट बी हेल्ड टिल द नेक्स्ट रेगुलर इलेक्शन, मींस चाहे वहां पर प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बाद 3 मंथ्स में डेथ हो जाए तो भी नया प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं होगी, वो आफ्टर 4 इयर्स के बाद ही होगी। इस तरह वहां पर इलेक्शन नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट को ही एज अ ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो अब पोजीशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं वो क्या है, एक प्रेसिडेंट है सेनेट का, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट होता है तब वो एज अ सक्सेसर काम करेगा, अदरवाइज उसके पास कोई भी काम नहीं है। इसीलिए कुछ पर्सन ये सुजेस्ट करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसको खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इवन कि जो खुद वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो भी यही कहते थे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड समझा जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी पर्सन नहीं है जो वाइस प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड हो। किसी को ये भी नहीं पता होता कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट का नेम क्या है, वो करता क्या है। इसीलिए खुद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यही सुजेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू लेस पोस्ट पूरे अमेरिका में नहीं है। और कुछ कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे काम है, उनके कुछ जो फंक्शंस हैं उनको पास ऑन कर देना चाहिए टू द वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कुछ बर्डन है उनका शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसको बाद हम ये कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है आज के टाइम में ये वैल्यू लेस है। इसको प्रोफेसर लास्की कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन अ लिटल मोर देन अ फेंट रैंक ऑन द अमेरिकन पॉलिटिकल होरिजन, मींस वो क्या है, वैल्यूलेस है, इनसिग्निफिकेंट है। इस तरह वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वैल्यू तब पड़ती है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट होता है, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। एंड कुछ कहते हैं अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अच्छा लेजिस्लेटर हो, फॉरेन पॉलिसी की अच्छी नॉलेज हो, अच्छा पॉलिटिक्स हो, तो उसकी वैल्यू खुद ही इंक्रीज हो जाती है। जब वो प्रेसिडेंट है उसकी कैबिनेट का मेंबर होता है उस टाइम वो अपनी वैल्यूएबल सजेशंस दे सकता है। तो विद दिस हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है जी कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।